हेलो एवरीवन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मीडिया के थ्रू परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बात सकूं। ब्लेसड इज़ द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो व्यक्ति आशीषित है जिसने परमेश्वर पे पूरी तरह से विश्वास किया, सच में, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और वो परमेश्वर हमें रचने वाला परमेश्वर है। वो हमारा रचनाकार है और इसीलिए तो वो हमसे प्रेम भी करता है। और सच में यदि परमेश्वर की भलाइयों के विषय में हम बात करें तो कम शब्दों में हम बयां कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम परमेश्वर की भलाइयों के विषय में उसका बखान कर पाएं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर समय समय पे अपने वचन के अनुसार हमें सिखाते रहते हैं और हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से और परमेश्वर में ग्रो हो सकते हैं, हम किस तरह से और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। और ये समय है, मैं अपने विषय की ओर आगे जाना चाहूँगी। आज का मेरा विषय है, हाउ कैन आई नो इफ समथिंग इज फ्रॉम गॉड। मैं कैसे समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि जो भी मेरे जीवन में है या मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, ले रही हूँ, वो वाकई में परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पे मैंने कुछ चरणों को, कुछ स्टेप्स को आपके लिए लिखा है ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूँ और आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो पहला चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है परमेश्वर को जानना। जब हम परमेश्वर के प्लानिंग के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे जीवन में क्यों है। जिस प्रकार एक माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को बड़ा होते हुए देखने के लिए बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उसी अनुसार वो परमेश्वर जिसने आपको आदि से लेकर के अभी तक संभाला है वो भी आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, वो आपके लिए प्लान रचता है और उसी परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। और जो परमेश्वर की प्लानिंग है, ही इज फुल ऑफ विजडम। वो परमेश्वर की प्लानिंग बहुत उसकी परमेश्वर की बुद्धि के साथ रची गई है और सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को समझें। लेकिन उससे पहले द फर्स्ट स्टेप है, वो है परमेश्वर को जानना कि वो परमेश्वर है कौन। हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं और परमेश्वर का वचन वचन संहिता 14 और उसके 2 पद में कुछ इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कोई बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है या नहीं। सच में परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर को खोजता है। यदि हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम बुद्धि रखते हैं, और यदि हम परमेश्वर को नहीं खोजते, हम परमेश्वर की ओर नहीं ताकते, तो ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को खोजें और उसको देखें। सच में एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास आपके लिए। गे गार्डनर जो एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री रहे और उन्होंने STC-27 और STC-35 टेस्टिफाई की, कहते हैं इसके पायलट थे और वो कहते हैं कि उन्होंने जब ब्रह्मांड में यात्रा किया और जब वो ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे थे तो वो सुंदर सृष्टि को देख रहे थे और वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं इस परमेश्वर ने जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को रचा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मेरा उसके साथ संबंध है। और सच में परमेश्वर के साथ संबंध और परमेश्वर को जांचना, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। आप जांचें कि आप किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप सोचें कि वो परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कितना विशेष है और क्या है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसको जानने के लिए आप इच्छुक रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अन्य किताबें हैं जो आपकी सहायता करेंगी जिससे आप परमेश्वर के विषय में और गहराई से जान सकते हैं। तो इस परमेश्वर को जांचना बहुत आवश्यक है और परमेश्वर को जांचने के लिए 3 मुख्य विशेष बातें हैं जिसे हमें याद रखना है। पहला, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ही इज अ लिविंग गॉड। दूसरा, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, ही इज अ फेथफुल गॉड। तीसरा मुख्य, ये वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, ही इज अ ऑल पावरफुल गॉड। और हम देख सकते हैं वचन के अनुसार यर्मिया 10:10 में लिखा है, ही इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है और
जीवित परमेश्वर है और राजा वही है, वो यहोवा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है और राजा है। अब देखें, हमारे विश्व में बहुत सारे अलग अलग तरीके के दार्शनिक आए और अलग अलग तरीके के शास्त्री आए, बहुत सारे अलग अलग अभिनेत्रा और प्रसिद्ध अभिनेत्रियां आए और बहुत सारे राजाओं ने राज्य भी किया। लेकिन यदि आज आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम आप इतिहास में देखेंगे और वो हमारे बीच नहीं हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन यही तो राज है कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है और वो जीवित परमेश्वर है। ही इज़ अ फिगर ऑफ द हिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया है, एटी और बीसी। इतिहास प्रभु यीशु मसीह से ही जाना जाता है। आप प्रभु यीशु के द्वारा इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह को आप हिस्ट्री से निकाल दें तो आपकी तो पूरा इतिहास बिखर जाएगा। हिज हिस्टोरी स्टोरी वो प्रभु यीशु मसीह की कहानी को बताती है। चंगेज़ खां के विषय में एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। चंगेज़ खां एक प्रसिद्ध राज, उन्होंने राज किया और विश्व के 27% राज्यों में उनकी हुकूमत थी। और आज आप देख सकते हैं कि इतनी हुकूमत के बावजूद भी वो हमारे बीच में नहीं है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे राजा आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अलग अलग राज्यों पे, कंट्रीज़ में उन्होंने राज्य किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो आज जो है वो यहाँ पे नहीं है। और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ूंगी और दूसरा जो मुख्य पॉइंट है उसकी ओर जाना चाहूंगी। ही इज़ ए फेथफुल गॉड। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। सच में जब मैं सोचती हूँ कि वो परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि को आदि से बनाया और अंत तक की योजना रखी है परमेश्वर ने, ये वही परमेश्वर है जो पूर्व काल में थे, जो आज प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेंगे। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। व्यवस्था विवरण उसका 7:9 में कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उसे प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाएं मानते हैं और उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। ये वो परमेश्वर है जो सिर्फ उसकी आशीषें आप तक ही सीमित नहीं रहती, उसकी आशीष आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक बढ़ती रहती हैं। ये वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आज आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है और वह आपसे प्रेम करता है। और यही तो परमेश्वर की यूनिकनेस है, यही तो प्रभु यीशु मसीह की यूनिकनेस है कि वो जीवित है और वो आज भी वही परमेश्वर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास आपके लिए। यदि आप आम के बीज को लें और आप कहीं बो दें तो आप देखेंगे कि वो आम कहीं पेड़ निकलेगा, उसमें आम के फल लगेंगे, वहाँ पे सेब आपको नहीं दिखेगा, अंगूर नहीं दिखेगा। तो वो परमेश्वर जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी और जैसी प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया था, आज प्रकृति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, आज प्रकृति वैसे ही है जैसे परमेश्वर ने अपने हाथ से इस प्रकृति को रचा था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती है। और आप समुद्र को देखेंगे, विशाल समुद्र है, लेकिन वचन कहता है कि उसकी सीमाएं बंधी हुई हैं, परमेश्वर ने उसकी सीमाओं को रोक रखा है। और जब आप सृष्टि को देखते हैं, सच में जब मैं सृष्टि को देखती हूँ, उसकी भव्य सुंदरता को देखती हूँ, जब सब जगह मैं ट्रैवल करती हूँ, तो परमेश्वर के महान कार्य का धन्यवाद करती हूँ। दाऊद वचन में कहते हैं कि क्या ही परमेश्वर धन्य है, वो उसकी जो रचना है परमेश्वर की। जब मैं आकाश के पक्षियों को देखता हूँ, इस भव्य सुंदरता को देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी सुधि ले। सच में परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता है उसका वर्णन करना छोटे से समय में आसान नहीं है। लेकिन हम कम शब्दों में समझ सकते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर ने मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको बना के रखा है। आप देखें, जब वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट होता है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम वातावरण में ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। शायद कभी कई बार हम गिनते भी नहीं होंगे हम कितनी बार श्वास का अनुभव करते हैं। यही वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उसको भूल जाते हैं लेकिन वो हमें याद रखता है। यही विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर
के पास आपके लिए योजना है। मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगी कि ये परमेश्वर जिसकी योजनाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं, यर्मिया की पुस्तक उसका 32:27 देखते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है। परमेश्वर कहते हैं कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो परमेश्वर के लिए कठिन है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर के लिए कठिन हो। उदाहरण के लिए जॉन ग्लेन, एक प्रथम अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने ब्रह्मांड में पृथ्वी की परिक्रमा की, यू नो ऑर्बिट ऑफ अर्थ, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और परिक्रमा करते वक्त जब वो ब्रह्मांड में थे तो वो सोच रहे थे और उन्होंने जब इस संसार, इस ब्रह्मांड को देखा इस स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो वो कह रहे थे कि ये परमेश्वर की संरचना है और ये असंभव है कि इस संरचना को देख के मैं परमेश्वर पर विश्वास ना करूं, ये असंभव है। और सच में जिसने परमेश्वर के गुणों को चखा है, जिसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को चखा है, परमेश्वर की भव्य महिमा को देखा है, वो परमेश्वर पर विश्वास करने से बच नहीं सकता, उसको परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को जानें, उसको देखें कि वो परमेश्वर कौन है, किसने आपको अपने हाथों से बनाया है, किसने आपको ये सारी ज़रूरतों के लिए, आपको परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है कि ये सब ज़रूरतें आपके लिए रख छोड़ी हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर की महिमा हमारे हर निर्णय में ज़रूरी है, आवश्यक है। पहला स्टेप हमने देखा परमेश्वर को जानना, टू नो योर गॉड। परमेश्वर के प्लान को और उसकी इच्छा को जानने के लिए आपको परमेश्वर को जानना आवश्यक है और उससे संबंधित तीन मुख्य बातें कि अ गॉड इज़ लिविंग गॉड, ही इज़ फेथफुल एंड ही इज़ ऑल पावरफुल गॉड। द सेकेंड स्टेप इज़ ग्लोरीफाई गॉड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:31 कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए कोई भी निर्णय जब आप लें तो उससे पहले ये देख लें कि वो परमेश्वर जिसको आप जानते हैं, क्या उसकी महिमा आपके हर एक निर्णय के द्वारा हो रही है, ये आपको जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हम यहून्ना की पत्री उसका 17:4 में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह दास की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और पौलुस के जीवन से हम देखेंगे फिलिप्पियों उसका 3:14 के अनुसार, कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। जिसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया है उसकी उसके लिए वो इनाम के लिए, इनाम पाने के लिए दौड़ता चला जाऊँ। तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शंस हैं, देर इज़ ए टू चॉइस, कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें जैसे प्रभु यीशु ने किया, और दूसरा कि जब आप परमेश्वर ने जो आपको कार्य दिया है करने को उसकी 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 ओर बढ़ते चले जाएं, उसकी ओर आगे दौड़ते चले जाएं, अपने निशाने की ओर पौलुस के अनुसार दौड़ते चले जाएं टूवर्ड्स टू योर गोल। तो ये समय होगा कि आप निर्णय आपका है, आपको लेना है कि आप अपने निशाने की ओर बढ़ रहे हैं या परमेश्वर ने जो कार्य आपको दिया है उसे आपने पूरा करके परमेश्वर की महिमा की है। तीसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम नूह के जीवन से देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6:22, वहाँ लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, एग्जैक्टली व्हाट गॉड हैज गिवन टू हिम ही डिड। इंग्लिश के बाइबल में कुछ ऐसा लिखा है, नो डिड एवरीथिंग जस्ट एज गॉड कमांडेड अस। जिस तरीके से परमेश्वर ने वचन में उसको नूह को डायरेक्ट किया था कि इतने हाथ की खिड़की बनेगी, इतने हाथ का दरवाजा बनेगा, एग्जैक्टली ही डिड फॉर द लॉर्ड। तो ये एक मुख्य उदाहरण है जिससे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं एग्जैक्टली हमें वो करना है कि जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है।
चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण पीटर के जीवन से हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा हम जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं तब भी परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। जिस प्रकार पीटर ने लूक के में हम देखेंगे, लूका उसका 5:8 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यह देखकर शमौन पत्रस यीशु के पांवों पर गिर गया और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसने एक्नॉलेज किया दैट आई एम अ सिनफुल मैन, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चला जा। ही एक्नॉलेज्ड। तो ग्लोरीफाई गॉड टू गॉड व्हेन यू एडमिट योर सिन, यू कैन फील सॉरी। तो आप परमेश्वर की महिमा इस तरह से भी कर सकते हैं। थर्ड, तीसरा जो मुख्य स्टेप है, मैं पीछे से थोड़ा आपको एक मैं स्टडी के रूप में आपको पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसको नोट्स के रूप में भी अपने पास रख सकते हैं, ये आपकी आगे सहायता करेगा। पहले स्टेप में हमने सीखा कि परमेश्वर के इच्छा को, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में जानने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए हमें परमेश्वर को जानना आवश्यक है कि वो परमेश्वर कौन है। दूसरा स्टेप जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर को महिमा देना, क्या हम जो निर्णय ले रहे हैं हमारा निर्णय परमेश्वर को महिमा दे रहा है, क्या मेरे इस निर्णय से या मेरे इस लाइफ चेंजेस से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। तीसरा मुख्य जो स्टेप है, जो चरण है, वो है निर्भरता परमेश्वर के वचन में, आई एग्री विद गॉड्स स्क्रिप्चर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यदि आप दूसरा तिमोथियों उसका 3:16 देखेंगे, वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं आपको बताऊं कि गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। ये जानना कि हम सही हैं या हम गलत हैं, वो हमें एक प्रेरणा, एक मापक के रूप में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा उदाहरण है, शायद आप जानते हों। वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड किया करते थे, और एक दिन जब वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड करके लौट ही रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची से उनकी मुलाकात हुई, और उस बच्ची ने उनसे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो आपको ऐड नहीं करना चाहिए, ये तो हार्मफुल है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। और फिर उसके बाद से अमिताभ बच्चन जी ने कोल्ड ड्रिंक का ऐड करना बंद कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया और उसके बाद सत्य को ग्रहण कर लिया। दो मुख्य बातें बहुत आवश्यक हैं, सत्यता को जानना और सत्यता को अपने जीवन में एडमिट करना, उसको ग्रहण करना। ये हमें आगे जो हम चरण पढ़ेंगे उसमें हमें हेल्प करेगा कि हमारा सत्यता से साक्षात्कार आवश्यक है, नो डाउट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट द मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको एडमिट करते हैं कि नहीं, सत्य को एक्सेप्ट करके हम चेंजेस अपने जीवन में लाते हैं कि नहीं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड आई टेल यू देयर इज़ वन मोर 2-3 एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे कि आपके पास फ़ोन हो और मोबाइल फ़ोन यदि आपका ख़राब हो जाता है तो आप टीवी, फ्रिज या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मैनुअल की ओर नहीं जाएंगे, आप उसी से रेलेवेंट जो आपके पास मेन्यू होगा आप उसकी तरफ जाएंगे, आप उसमें देखेंगे कि क्या हो गया, ये ऑफ क्यों हो गया, ऑन क्यों नहीं हो रहा, इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है, आप उसी से संबंधित उसके लिए रिसर्च करेंगे। इन द सेम वे, यदि हमारा जो ये जीवन है ये परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया जाएगा, ये परमेश्वर जो इस जीवन को बनाने वाला सृष्टि करता है, हम उसको नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को नहीं एक्नॉलेज करेंगे, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। सिर्फ वचन को जानना या सिर्फ वचन को अपने पास रखना, रोज़ पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। यदि डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं तो
आप ला के उसको रखते नहीं हैं, आप उसको टाइम से लेते हैं। और यदि 5 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी होती है तो आप उसको 5 ही दिन लेंगे, भले ही आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप उसको 5 डेज का कोर्स कंप्लीट करते हैं। क्यों? ताकि वो बीमारी लौट के आपके जीवन में हार्मफुल ना हो। इन द सेम वे, इसी अनुसार परमेश्वर का वचन है, उसको पढ़ें, तल्लीनता से पढ़ें और उसको पूरा पढ़ें और उसको समझें, उसको जानें कि वो परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। एक यदि हम पायलट का एग्जांपल लें कि जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि फॉग होता है ना, कोहरा होता है चारों तरफ, और हालांकि जो पायलट होता है जब जहाज को आसमान में उड़ाता है तो सामने उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैट 3 मॉडल। तो उस सॉफ्टवेयर का वो यूज़ करके उस जहाज को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेके जाते हैं, और कोहरे में उस मॉडल का इस्तेमाल करके सेफली लैंड कराते हैं। तो जो पायलट होता है उसको सामने कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को, मैनुअल को फॉलो करते हैं, उनका वो यहाँ देखते हैं, वो सामने नहीं देखते। इन द सेम वे गॉड इज़ गिविन यू दिस वर्ड ऑफ गॉड, आपको परमेश्वर के वचन को देखना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो आने वाली सिचुएशंस हैं, जो मौके हैं और जो डिसीजन लेने के आगे आपके सामने अवसर आएंगे, परमेश्वर उसमें आपकी सहायता करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो गॉड्स वर्ड। और एक बात बहुत आवश्यक है, मैं कई बार अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ उद्धार के विषय में और धार्मिकता के विषय में ही नहीं बताता, परमेश्वर का वचन हमें हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू एस्टेब्लिश योर करियर, मैरिज एंड डिफरेंट रिलेशनशिप्स, वो डिफरेंट विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत आवश्यक है, ताकि आप हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियाँ हैं, जितने हमारे जीवन से जुड़े हुए और अदर इश्यूज़ हैं, उनको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, उसमें हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे संबंधित हम निर्णय ले पाएँ। इसलिए परमेश्वर के जो वचन पर निर्भरता है वो मेरे प्रिय मेरे दोस्त बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानें, और इससे पहले ज़रूरी है कि परमेश्वर को जानना कि आप किस परमेश्वर को जानते हैं, आप किस परमेश्वर की उपासना करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे बढ़ेंगे और मैं पहले से आपको लेके चलूँगी हमारे बाकी के 3 पॉइंट्स में, आई होप कि आपको याद हो। द फर्स्ट पॉइंट इज़ परमेश्वर को जानना, टू नो गॉड। The second point is to glorify God, and the third step is agree with God's scripture. परमेश्वर के वचन से पे निर्भरता। And the fourth point is be willing to wait, patience. परमेश्वर के इच्छाओं को अपने जीवन में जानने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि बस परमेश्वर आज ही हमें उत्तर दे दे, हमें परमेश्वर पे वचन पे निर्भरता के साथ हमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, होप कम्स फ्रॉम गॉड एंड एवरी गुड थिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें आशा में आनंदित रहना है, रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन द ट्रिबुलेशंस। उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है, बिकॉज वी हैव होप इन लॉर्ड। डिपेंड करते हैं कि आप किस पे विश्वास करते हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। यदि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो हमें उसमें आशा है, और वचन कहता है कि वो हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आता है। बहुतायत के जीवन में बहुत सारी आशा और होप होती है। एक माँ जो अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखती है और वो बहुत पेशेंस के साथ, धीरज के साथ इंतज़ार करती है कि वो 9 महीने जब कंप्लीट होंगे वो उस बच्चे को
देखेगी, उसको गोदी मिलेगी, उसको खिलाएगी, और जिस आनंद का उसने इंतज़ार किया होता है वो उस आनंद को इंजॉय करती है। लेकिन उसके लिए उसको 9 महीने वेट करना होता है, उसको 9 मंथ्स गुजरना होता है वो पेन से। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, सिकनेस भी आती है, वो बहुत सारे मेंटली प्रेशर से भी निकलती है, लेकिन बाद में उसको एक आनंद मिलता है। तो भी पेशेंस, परमेश्वर पे निर्भर रहें और धीरज के साथ परमेश्वर पे निर्भर रहें। परमेश्वर पेशेंस के द्वारा भी आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब हम धैर्य रखते हैं, जब आप किसी भी विषय वस्तु के लिए, आप किसी भी आशा के लिए, किसी लाइफ में चेंजेस के लिए आप वेट करते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, तो आप उस प्रोसेस में देखते हैं आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे बदलाव करते हैं, आपको बहुत सारे बदलाव का अनुभव होता है। एंड वर्ड ऑफ गॉड सेज यर्मिया 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर के पास जो हमारे लिए योजना है वो हमारे लाभ ही की है, वो हानि की नहीं, वो हमारे लाभ ही की है। तो वो जो भी परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में पेशेंस है और उसकी उसके दौरान जो चेंजेस आए हैं, दैट इज़ फॉर योर गुडनेस एंड फॉर गॉड्स ग्लोरी, वो परमेश्वर की महिमा के लिए और आपके लिए होते हैं। नूह के जीवन से भी हम पेशेंस देख सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण हमें नूह के जीवन से देखने को मिलता है। 120 वर्षों तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन धीर और परिश्रम के साथ नूह ने किया। और व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड हैव वर्क टूवर्ड्स योर गोल, बहुत विशेष बात है। कई बार ऐसा नहीं कि आपको जब परमेश्वर इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ, मैंने प्रार्थना किया, वचन पर पढ़ा, अब मैं परमेश्वर का बस बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल की तरफ कार्यरत रहना है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जिसका एग्ज़ाम 6 महीने बाद होता है, आज उसने एडमिशन लिया और उसके एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, देन वॉट ही हैज़ टू शी हैज़ टू डू, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू स्टडी, बिकॉज आने वाले समय में उनको वो एग्ज़ाम फेस करना है, उनको लिखना है, उनको याद करना है, उनकी परीक्षा होगी, उसके लिए उनको अभी से प्रिपेयर होना है। अगर वो कहे कि नहीं, हम पेशेंस के साथ बैठे हैं, हमने बस प्रार्थना किया है और हम बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आपको जो परमेश्वर ने कार्य दिया है या आपको परमेश्वर ने जिस स्थान पर रखा है, आपको उसकी ओर कार्यरत रहना है, आपको उसको बड़ी दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ और सबसे बड़ी बात धीरज के साथ आपको उसको पूरा करना है, क्योंकि वो आपको परमेश्वर ने दिया है और उस धीरज में परमेश्वर की महिमा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो बहुत विशेष है। कई बार जब हम जवानों से बात करते हैं, युवाओं से, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हम समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकले हैं, एट द लास्ट दे डोंट अंडरस्टैंड। एंड वो समय होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में होने दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज स्टेप 5, इसको आप नोट कर लें, ट्रस्ट गॉड टू अकॉम्प्लिश हिज विल इन योर लाइफ, हिज विल इन योर लाइफ। ये परमेश्वर पर विश्वास रखें कि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमारी आशा टूट जाती है और हम सोचते हैं कि शायद प्रभु की यही इच्छा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की इच्छा उसके बात है। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो सच में वो जो परमेश्वर जिसके पास आपके लिए एक अबंडेंस प्लान है, जो एक अबंडेंस लाइफ है, वो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफिसियों की पत्री उसका 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से अधिक कार्य कर सकता है। हमें क्या होना है, हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना है। यू हैव टू डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारी मेहनत कर ली, शायद आपने
बहुत सारे सपने देखे होंगे या आप बहुत सारे निर्णयों को ले रहे होंगे, लेकिन ये मौका है परमेश्वर पर निर्भर होने का। परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है, फुल पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यानी कि थोड़ा तो हमारा होगा प्रभु, हमारी ये इच्छा है, अब इसमें हम प्रभु की इच्छा भी मिक्स कर देते हैं। और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जब आप इन चरणों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो वाकई में आपका हृदय इन द लास्ट आपका हृदय परमेश्वर के हाथों में होगा। और वो प्रभु जिसके पास आपका जीवन है, जिसने आपके जीवन को रचा है, ही हैज अ प्लान टू मेक योर लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ अबंडेंस। और एक छोटी सी कहानी आज मुझे अभी याद आई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक छोटा बच्चा दुकान पे जाता है और दुकानदार से कहता है कि अंकल मुझे ये टॉफ़ी चाहिए। तो दुकानदार अंकल बोलते हैं, ठीक है बेटा आप ये टॉफ़ी ले लो, डिब्बा खोल के आप टॉफ़ी ले लो। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं अंकल आप मुझे दे दो। तो अंकल उस दुकानदार कहते हैं, ठीक है मैं देता हूँ। तो वो बच्चा वहाँ खड़ा रहता है, तो लेकिन वो दुकानदार अन्य दूसरे ग्राहकों में बिजी रहते हैं। तो जब वो व्यस्त रहते हैं तो वो कहते हैं, बेटा मैं व्यस्त हूँ थोड़ा अन्य ग्राहकों में, आप डिब्बा खोल के ले लो। तो वो बच्चा कहता है, नहीं अंकल मुझे ये टॉफ़ी आपसे चाहिए। तो अंकल कहते हैं, ठीक है। थोड़ी देर एक घंटा बच्चा वहाँ खड़ा रहता है और फिर अंकल दुकानदार वो डिब्बा खोलते हैं, उसमें से टॉफ़ी निकालते हैं और बच्चे को दे देते हैं। लेकिन जब वो बच्चा जा रहा होता है, तब दुकानदार उसको बुला के पूछते हैं, बेटा एक बात मुझे बताओ कि टॉफ़ी आपने क्यों नहीं ली? आप भी तो ले सकते थे, आप दोनों हाथ से ले सकते थे। तब उस बच्चे ने कहा, अंकल आप ठीक कह रहे हैं, शायद मैं ले सकता था और दोनों हाथ से ले सकता था, लेकिन आपका हाथ मुझसे बड़ा है, इसलिए आप जब मुझे देंगे तो मुझे दुगना मिलेगा और मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो यही बच्चों के तरह जो है हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर होना है कि जब परमेश्वर आपको देते हैं तो वो हमारी उम्मीद से दुगना देते हैं। छोटा सा और उदाहरण, अभी कल मदर्स डे निकल के चुका है, इसलिए मैं 2-3 रिलेवेंट एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगी। जब कल्पना कीजिए, एक माँ है जिसकी कोख में 2 जुड़वा बच्चे हैं, और सोचिए कि जब वो 2 जुड़वा बच्चे आपस में बात करते होंगे तो क्या बात कर रहे होंगे। वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि पहला बच्चा पूछता है कि तुम्हें मुझे तो लगता है कि ये दुनिया यही है। दूसरा बच्चा कहता है, नहीं मुझे लगता है दुनिया यही नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। आप इससे क्या समझे? यहाँ 2 दृष्टिकोण हैं। एक वो जो हम सोचते हैं कि शायद ये दुनिया संसार यही है, जो हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। और दूसरा दृष्टिकोण है कि इसके बाद भी बहुत कुछ है, जो हमें आज दिख रहा है वो नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। तो ये दृष्टिकोणों को हमें समझना है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, दैट इज़ फॉर योर गुडनेस, नॉट फॉर योर हार्म, दैट इज़ फॉर योर गुडनेस। तो उस योजना को, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के विषय में बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो परमेश्वर लिविंग गॉड है, ही इज़ अ फेथफुल गॉड, और वो परमेश्वर वो ही इज़ ऑल नोइंग पावरफुल गॉड। शायद हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो हमारा रचयिता है, वो हमारा बनाने वाला है। जिस प्रकार बच्चे नहीं सोच पाते कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी भली बातें रखी हुई हैं, उसी अनुसार हम भी नहीं सोच पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ भला रखा है। बट उस दौड़ में दौड़ते जाइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस कार्य में कार्यरत होते जाइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एंड यू विल बी विनर। वो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, वो परमेश्वर, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बनाया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छाओं को और अपनी योजनाओं को पूरा होते हुए देखने पाए। और परमेश्वर सहायता करे कि आप अपने जब जीवन में आगे निर्णय लें, तो ये जो चरण मैंने आपके साथ शेयर किए हैं,
जो मैंने ये स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं. द फर्स्ट इज टू नो योर गॉड, सबसे पहले अपने परमेश्वर को जाने कि आप किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर कौन है, वो कितना सामर्थी है. द सेकेंड वन इज वो परमेश्वर कि क्या आपके निर्णयों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो रही है, और परमेश्वर की महिमा किन किन उदाहरणों के द्वारा होती है ये मैंने आपको बताया. तीसरा मुख्य स्टेप वो परमेश्वर के वचन पे निर्भरता, परमेश्वर के वचन पे हमें निर्भर होना है. क्या आप जो स्टेप ले रहे हैं या आप जो निर्णय ले रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, या आप जो लाइफ जी रहे हैं क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है. एंड फोर्थ मेन पॉइंट इज बी विलिंग टू वेट, परमेश्वर पे हमें धीरज रखना है, इंतज़ार करना है परमेश्वर के सही समय का. और जो मैंने आपको उदाहरण दिया एक माँ का, माँ 9 महीने इंतज़ार करती है और फिर बच्चे के रूप में परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं. एंड देन फिफ्थ स्टेप इज ट्रस्ट गॉड टू अकॉम्प्लिश हिज विल इन योर लाइफ. आखिरकार अंत में हम सब बातों में परमेश्वर को आदर महिमा देना है और कहना है नीति वचन 5:3-5 के अनुसार, तू अपनी समझ और समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस यहोवा जीवित परमेश्वर पे भरोसा करना जिसने आपको रचा है. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दें. God bless.